News 18, India. आज की ताजा खबर आप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। बड़ी खबर, किसान दिल्ली कूच को लेकर अड़े हुए हैं। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसानों ने प्रदर्शन किया है, जिसे रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी किसान बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान पथराव की भी खबर सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने किसानों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। ये बड़ी खबर, अलग अलग बॉर्डर के ऊपर किसान इस वक्त डटे हुए हैं। दिल्ली बढ़ने की ओर लगातार वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, और ऐसे में प्रदर्शनकारी किसान जो कि बॉर्डर के ऊपर मौजूद है, आप देखिए कैसे उनके ऊपर आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। ये शंभू बॉर्डर की इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और लगातार हालात यहाँ शंभू बॉर्डर के ऊपर ऐसे तनावपूर्ण बने हुए हैं। दूर दूर तक लंबी कतारें किसानों के ट्रैक्टर की, ट्रॉली की इस वक्त दिखाई दे रही है, और मांग उनकी यही कि ये प्रदर्शन तो हमें दिल्ली जाकर करना है। और ऐसे में जो पुलिस है वो उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन किसानों को खदेड़ने के लिए पुलिस को आंसू गैस का भी रात में इस्तेमाल करना पड़ा। इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रदर्शनकारी किसान है, इनका प्रदर्शन कैसे उग्र चला होगा, और यही वजह रही कि आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल भी करना पड़ा। ये देखिए, इस तस्वीर में आपको पीछे धुआं उठता हुआ भी दिखाई दे रहा है, तो शंभू बॉर्डर की ये तस्वीर है। इसके अलावा भी सुरक्षा के जो इंतजाम है वो टीकरी बॉर्डर हो, संधू बॉर्डर हो, हर जगह इस वक्त मुकम्मल है, लेकिन शंभू बॉर्डर पर ज्यादा स्थिति तनावपूर्ण है। और किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट है। किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली न पहुंच पाए, इसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। दिल्ली के हर बॉर्डर को सील कर दिया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है, और सुरक्षा के लिहाज से धारा 144 लागू कर दी गई है। तो चार तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया, किलेबंदी दिल्ली की कर दी गई है, ताकि ये किसान दिल्ली न पहुंचने पाए और अलग अलग बॉर्डर्स पर तैनाती है। और साथ ही साथ हम भी आपको आज इस पूरे आंदोलन से जुड़े हर एक बॉर्डर से हर एक तस्वीर दिखाएंगे। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ेंगे और रिपोर्ट देंगे कि आखिर कहां पर कैसी स्थिति है। सभी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मानव यादव शंभू बॉर्डर से, चमन पलानिया शंभू बॉर्डर से, जावेद मंसूरी गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, अंकिता दुबे टीकरी बॉर्डर से, नीरज कुमार सिंह बॉर्डर से, अमित पांडे गुरुग्राम से लाइव है। सबसे पहले मानव का रुख करते हैं। मानव, कल की तस्वीर हमने सबने देखी, किस तरीके से स्थिति बिगड़ गई थी, आज शंभू बॉर्डर पर स्थिति क्या, सबसे पहले वो बताइए और दिखाइए। देखिए, कल करीब 6 बार दिन में हमने देखा कि किस तरीके से एक के बाद एक आंसू गैस के गोले किसानों के ऊपर छोड़े गए थे, क्योंकि किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं, उनको दिल्ली जाना है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर मैं सुबह से देख रहा हूँ वो तस्वीर आप देख लीजिए जरा, इसके बाद आपको बताएंगे कि रात में क्या कुछ हुआ है। ये तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा रेला है ट्रैक्टर ट्रोलियों का, और किसानों का ये कहना है कि जब तक हमको आगे नहीं जाने दिया जाएगा, हम यहीं पर डेरा डाल के रहेंगे। अब आप रात की स्थिति समझिए, रात को रहकर हरियाणा पुलिस की तरफ से गोले दागे गए, क्योंकि कुछ किसान ये कहा गया था कि 6 बजे के बाद एक तरीके से जो सीज फायर शब्द का इस्तेमाल किया गया कि अब किसान आगे कूच नहीं करेंगे, तो उधर से गोले आना बंद हो गए थे। लेकिन रात में कुछ गाड़ियां बॉर्डर के पास पहुंची, उसके बाद हरियाणा पुलिस ने उनके ऊपर गोले छोड़े। इसके बाद जैसे ही किसानों का कोई भी झुंड बॉर्डर के पास जाता है, तो रात भर हरियाणा पुलिस ने रहकर आंसू गैस के गोले छोड़े। यानी हरियाणा पुलिस के रवैये से आप एक बात आप समझ सकते हैं कि किसी भी कीमत पर हरियाणा पुलिस किसानों को हरियाणा की सीमा के अंदर दाखिल नहीं होने देगी। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से किसानों को पूरा समर्थन यहाँ पर जरूर मिला है, तो पंजाब सरकार की तरफ से यहाँ पर कुछ एम्बुलेंसेस मैं देख रहा हूँ कि करीब आधा दर्जन एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी की गई है, क्योंकि ये कहा गया है किसानों की तरफ से, हालांकि घायल तो पुलिस के जवान भी हुए हैं, ये कहा गया है कि करीब 80 से ज़्यादा किसान घायल हुए हैं, और उन घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए पंजाब सरकार ने यहाँ पर इस तरीके से एम्बुलेंसेस भी इस्तेमाल की गई है। इसके अलावा अगर हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा के करीब 8 से ज़्यादा ज़िलों में इंटरनेट सेवाएं 15 फरवरी तक के लिए बंद कर दी गई हैं। पंजाब के हिस्से में ज़रूर लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर पा रहे हैं, लेकिन किसान अभी जो है वो अभी पंजाब के बॉर्डर में है, तो यहाँ पर इंटरनेट ज़रूर चल रहा है, लेकिन हरियाणा के भीतर स्थिति को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर इंटरनेट पूरी तरीके से करीब आठ जिलों में बाधित है। बिल्कुल, तो जो इंटरनेट है उसे भी अभी बाधित कर दिया गया। और देखिए, सबसे ज्यादा किसान चूंकि शंभू बॉर्डर पर स्थित है, तो पहली जो तस्वीर हम आपको अभी मौजूदा दिखा रहे हैं वो इसी शंभू बॉर्डर की दिखा रहे हैं। चमन पलानिया भी वहीं पर मौजूद है। चमन, आपकी तरफ की स्थिति क्या है? जी
जी देखिए, इस वक्त मैं शंभू बॉर्डर पे ही मौजूद हूँ और मेरे जो पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो किसानों की जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों की है और कुछ किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे भी जानते हैं कि कल जो रात को जो है कितने बजे तक जो है यहाँ पर जो है हरियाणा पुलिस की ओर से जो है आंसू गैस के जो है गोले छोड़े गए थे। तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ किसान हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। सर ये बताइए कि रात को कितने बजे तक तो जो थे वो किसानों की तरफ से जो हरियाणा पुलिस की तरफ से किसानों की तरफ जो है फायर किए गए? यहाँ तकरीबन रात 2:30 बज गए थे जब तक इन्होंने अपनी गोलाबारी जी जारी रखी आ और जेडे इन्होंने कल अथरू गैस के गोले छड़े आ ये बहुत ही भयानक सी और बिच इन्होंने जी गोलियां प्लास्टिक दिया और इन्होंने पित्तल दिया भी बिच जो अपन खोल मिले आ जो इन्होंने यूज किए आ। तो आप किसानों की बात से समझ पा रहे होंगे कि किसानों का साफ तौर से कहना है कि रात जो है 2:30 बजे तक जो है करीबन जो है हरियाणा पुलिस की ओर से जो है यहाँ पर जो है आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और कल जो यहाँ पर किसान जो थे वो लगभग जो थे वो 11:30 बजे के करीब जो थे वो शंभू बॉर्डर पर पहुँच गए थे और तभी से लेकर जो थे वो लगातार 11:30 बजे से लेकर रात 2:00 बजे तक जो तकरीबन जो था वो हरियाणा पुलिस की ओर से जो है लगातार जो है आंसू गैस के जो किसान है जो आपके साथ हैं वो यही कह रहे हैं कि हम दिल्ली जाएंगे लेकिन पुलिस भी उतनी मुस्तैदी से यहां पर सभी बॉर्डर्स पर चौकसी के साथ लगी है। अंकिता का रुख कर लेते हैं, टिकरी बॉर्डर पर वो है और दिल्ली अगर आपको दाखिल होना तो टिकरी बॉर्डर भी आपको पार करना पड़ेगा। अंकिता मैं आपके पीछे देख रही हूँ कि पुलिस फोर्स अच्छी खासी दिखाई दे रही है, तस्वीरें दिखा दीजिए जरा। सपना सबसे पहले तो ये समझिए ये लास्ट बैरिकेड है, इसके उस पार भी एक सीमेंट का बैरिकेड है और ऐसे में आपको बताएं कि जो तमाम बैरिकेड्स यहाँ पर है मल्टी लेयर सिक्योरिटी है और ऐसे में सबसे पहले बैरिकेड में तमाम पुलिस के जवान मौजूद है। यहाँ पर आप रैपिड एक्शन फोर्स देख रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती की गई है और आगे कॉन्क्रीट से दीवारें बाकायदा बनाई गई है। लेकिन अगर आपको उस वाकई स्थिति समझनी है तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि साल 2020 में क्या हुआ था। यहाँ पर स्थिति बहुत भयावह थी क्योंकि आसपास इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ से पीरागढ़ी तक का जो 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया में आता है और उसके किनारे किनारे रिहायशी इलाके हैं और उन रिहायशी इलाकों के जो लोग हैं उनको किसान आंदोलन की वजह से रोजी रोटी की समस्या आ जाती है और ऐसी ही समस्या लगातार बनी रहती है। आपको जल्दी से जरा मैं एक बार यहाँ पे दिखाऊंगी सपना, अगर आप देखें तो यहाँ पर कटीले तार लगाए गए हैं और कटीले तारों के बीच में अगर सिक्योरिटी आप यहाँ पर देखें तो सिक्योरिटी भी है और अगर आप देखें कि यहाँ पर ये कॉन्क्रीट आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कॉन्क्रीट और सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है और बैरिकेड नहीं लगाए गए अंकिता जैसी तस्वीरें आप दिखा रही है क्योंकि बैरिकेड तोड़कर तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है, ऐसे में वहां पर कटीले तार भी बिछाए गए। अब जरा सिंघू बॉर्डर की क्या तस्वीर है वो भी हम जान लेते हैं। नीरज वहां पर अभी मौजूद है, नीरज जरा तस्वीरें दिखाइए। सपना देखिए हर तरफ बैरिकेड लगाए गए हैं लगातार कंक्रीट के जिसे जर्सी बैरिकेड कहते हैं। देखिए ये तो सामान्य बैरिकेड है लेकिन यहाँ कटीले तार यहाँ लगाए गए हैं, कई सौ मीटर में इस तरह की व्यवस्था की गई है। हमारे कैमरा पर्सन अजय आपको एक एक तस्वीर वो दिखा रहे हैं और ये अभी अभी इधर आपको दिखाते हैं, इसे जर्सी बैरिकेड कहते हैं जिसे कंक्रीट का बैरिकेड भी कहते हैं। दो कंक्रीट के बैरिकेड के बीच सीमेंट और गिट्टी का मिक्सचर लगातार डाला जा रहा है कि एक मोटी दीवार तैयार हो जाए कि अगर शंभू बॉर्डर से आगे बढ़े तो सिंघू बॉर्डर पे जो कि दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है यहाँ आकर किसानों को रोक दिया जाए। ये तो ये फ्लाईओवर है उस पर ये व्यवस्था की गई है, लगातार कई सौ मीटर पे इस तरह की व्यवस्था है। दूसरी तरफ पुल के नीचे हम लोग एक फ्लाईओवर पे हैं और फ्लाईओवर के नीचे आपको दिखाते हैं वहाँ किस तरह की व्यवस्था की गई है। ये आम लोग हैं जो यहाँ पहुंचे हुए, आप लोग कहां से हैं पहले ऐसी ही बनी हुई है और जरूरी है कि पुल